3 है बस सुबह उठ के अब नहा धो के हम निकले हैं। मस्त ठंड है आज, ऐसे देख सकते हो गया मेरे पीछे पूरा फॉगी फॉगी है। अब तो थोड़ा फॉग आ रहा है जा रहा है ऐसी है। आज हम जा रहे हैं चमेरा लेक, वो थोड़ा दूर है यहाँ से। एक बार मैं आपको रूट मैप दिखाता हूँ, देखिए। तो गाइज यहाँ पे हैं हम, हॉस्टल यहाँ है और ये मेन है, यहाँ बस स्टैंड था। अब हमें जो जाना है वो ऐसे पूरा घूमते हुए ये लेक पे जाना है, चमेरा लेक। और कल हम गए थे, वापस आते हैं हेयर, और ऐसे हम गए थे गांधी चौक कलर टॉप होते हुए खजियार, हम खजियार गए थे कल। एंड यहाँ दीनकुंड, दिस इज दीनकुंड, तो ये गए थे हम। और पहले दिन हम गए थे गंजी पहाड़ी जो कि वो है। तो गाइस दिस इज द रूट मैप, चलते हैं। आइए कुछ नाश्ता करेंगे उसके बाद निकलते हैं फिर अपना कैफे। वी आर लिविंग फॉर चमेरा लेक। लेक बहुत फॉगी है जैसे आप देख सकते हो। और ये रहा हमारा हॉस्टल। एंड व्हाट इज दिस गाइस, देखो दिखाता तुम्हें गाइस, पता नहीं क्या है ये, ध्यान से देखो, क्रिकेट भी नहीं है। We are on scooty and ठंड है, पूरा foggy weather हो रहा है, but scooty का मज़ा ही अलग है इन वादियों में। Guys, बस चमेरा लेक आने ही वाली है। अब काफ़ी नीचे आ गए, कल हम दीनकुंड कुछ 2000 मीटर की हाइट पे था, अब हम 1340 मीटर की हाइट पे है। और जैसे देख सकते हो आप पीछे पूरा गर्मी बढ़ती जा रही है क्योंकि हम नीचे आते जा रहे हैं। वो पीछे देखोगे तो वहाँ कहीं से आ रहे हैं हम, और वो बादल हैं पूरे पहाड़ों पे। हाँ मौसम खुल गया है, तो अब चलते हैं। Thank you.
गाइस बस थोड़ी दूर और है चमेरा। व्यू बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ, रोड भी सही है, बट ट्रैफिक है, कोई यात्रा चल रही है इस वक्त। बाकी एक छोटा सा व्यू देखो पहले। सो गाइज वी आर इन चमेरा लेक, जस्ट पहुँचे हैं, ढाई घंटे लग गए आने में, 40 किलोमीटर प्रॉक्स है हमारे इस हॉस्टल से। बाकी मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, गर्मी तो है क्योंकि बहुत नीचे आ गए हम। और जैसे मेरे पीछे लेक है, देख सकते हो आप लोग। और चमेरा लेक बेसिकली एक डैम भी है यहाँ पे, वहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियो के लिए मना कर दिया, तो मैं अब कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ लेक की। चलिए हम दोनों ना चला। सो गाइस बैठ गए अपन, वोट स्टार्ट होती है थोड़ी देर में।
बैक एंड बारिश हो रही है, कहीं वीडियो बनाने का मौका मिला नहीं, एंड 7 बजने वाले हैं, वी आर लीविंग हॉस्टल, तो बिदा लेने का वक्त आ गया है दिलौजी से। एंड वीडियो को प्यार देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड उस बेल आइकन को दबा देना, घंटे का बटन जो है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाकी घर तक का तो सफ़र है ही अभी, सी यू सून। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं हम वापस जा रहे हैं, अभी पठानकोट पहुँचे हैं, ये हमारी बस है, एक डिनर करने रुके हैं, हमने तो वैसे ही खा लिया था भूख, बस कोई तूफान में इनकी तरह उड़ाया जा रहा है, बाकी चले।